आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। फाइनली दोस्तों सत्र 2024-25 का MP बोर्ड का शैक्षणिक कैलेंडर जारी हो चुका है। बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में आता होगा कि यह शैक्षणिक कैलेंडर आखिर है क्या, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शैक्षणिक कैलेंडर की सहायता से MP बोर्ड के कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्टूडेंट जान सकते हैं कि हमारी त्रैमासिक परीक्षा कब होने वाली है, हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा कब होने वाली है, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है, ओके, और हर मंथ का मैं मुझे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, ओके, पूरा आपको क्या है टेबल रहने वाली है, ओके। साथ ही दोस्तों आपको उसमें पता चलेगा कि शासकीय अवकाश कब कब मिलने वाला है, सभी जानकारी आप शैक्षणिक कैलेंडर के माध्यम से जान सकते हैं, ओके। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको शैक्षणिक कैलेंडर सत्र 2024-25 की PDF डाउनलोड करनी है। दोस्तों शैक्षणिक कैलेंडर 2025 की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है अनुराग साड़ी क्लासेस। सबसे पहले दोस्तों आपको वेबसाइट मिलेगी, इसको आपको दोस्तों क्या है ओपन कर लीजिएगा, ओके। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाइएगा, ओके, तो यहाँ पर आपको क्या है लेवल्स के ऑप्शन मिलेगा, लेवल्स में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, तो सबसे नीचे आपको लास्ट में मिलेगा शैक्षणिक कैलेंडर 2024-25, ओके, इस बटन पर आपको क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या है आपका शैक्षणिक कैलेंडर 2025 की आपका पोस्ट आ जाएगी, इसको आपको क्या है ओपन कर लीजिएगा। इसमें इस पोस्ट में आपको पूरी जानकारी दी हुई है कि शैक्षणिक कैलेंडर के क्या क्या फायदे हैं, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका शैक्षणिक कैलेंडर दिया हुआ है, ओके। क्लिक हियर टू डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है, ओके। जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी आप एक जीमेल आईडी सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना है, तो आपके सामने क्या है शैक्षणिक कैलेंडर की PDF डाउनलोड हो जाएगी। इस प्रकार से आपके सामने कंप्लीट PDF आ जाएगी। इससे क्या फायदे हैं, किस प्रकार से यूज करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, ओके। तो ये कि आपको मंथ वाइज मंथ आपको क्या है सिलेबस दिया हुआ है, जैसे ये अगस्त का है, ओके, तो अगस्त मंथ के जस्ट नीचे आप जाएंगे तो आपको अगस्त मंथ का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ओके। फिर आपको है सितंबर का कैलेंडर के नीचे आप जाएंगे तो सितंबर मंथ का आपको क्या है पूरा आपको सिलेबस दिया जाएगा, क्लास 9th का है, 10th का है, 11th का, 12th का, ओके, पूरा MP बोर्ड का, और इसी के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों तैयारी करनी है। साथ ही दोस्तों आपको क्या है त्रैमासिक परीक्षा भी आपकी बताई गई है, ओके। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो त्रैमासिक परीक्षा होती है हमेशा क्या होती है सितंबर में होती है, ओके, तो आपको क्या है सितंबर वाले में जाइएगा तो आप दिया हुआ है कि सितंबर में कब होनी है, तो 18 से 26 संभावित बताई जा रही है आपकी त्रैमासिक परीक्षा होंगी, ओके। और इसी बार से आपको आपको देखना है अर्धवार्षिक परीक्षा, तो आपको पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा है वो आपको क्या है दिसंबर में होती है, दिसंबर में आप देखिए जाइएगा तो आपको यहाँ मिल जाएंगे कि आपको क्या है 9 से 17 दिसंबर को आपको क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली, ओके। और आपको क्या है इसी मंथ के इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है अपने सिलेबस का आपको क्या है तैयारी करते जाइएगा। बाकी मैं आपको इसमें क्या है बहुत ही छोटे रूप में दिया हुआ है आपका सिलेबस, तो मैं आपको अलग से टाइप करके आपको क्या है सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा त्रैमासिक का, अर्धवार्षिक का, और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कर लेना है, ओके। तो आई होप दोस्तों आपको समझ गए होंगे, तो इसी प्रकार से डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल से जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।